हेलो एवरीवन, वेलकम बैक क्लास 11th. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड प्लांट लाइफ साइकिल्स. ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे आपका. ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहने का मतलब है, आपने देखा कि प्लांट के केस में क्या होता है, आपका हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज क्या होती हैं, आपकी वन बाय वन क्या होती हैं, आपका रिपीट होती हैं आपका. अगर हम बात करें आपका एल्गीज की, तो एल्गीज के केस में क्या होता है, आपका जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, वो हैप्लॉइड होती है. ठीक है, उसके बाद आपका जायगॉट फॉर्म होता है. जायगॉट आपकी केवल डिप्लॉयड स्टेज होती है आपकी. ठीक है, फिर जायगॉट में क्या होता है, आपका मियोसिस होता है, फिर आपका हैप्लॉइड आपके स्पोर बनते हैं, उससे आपका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जर्मिनेट करती है. ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें कि इसकी टाइडोफाइट्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो इनके केस में क्या होता है आपका, कि जो प्लांट बॉडी होती है आपकी वो स्पोरोफिटिक होती है आपका, टाइडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में, यानी कि डिप्लॉयड बॉडी होती है आपकी, और उनमें जो आपके स्पोर्स होते हैं केवल वही, जो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, यानी कि गैमेट फॉर्म होते हैं, वही आपका केवल हैप्लॉइड स्टेज होती है आपकी. ठीक है, तो फिर हैप्लॉइड स्टेज वो हो गई आपकी गैमेट्स, फिर गैमेट आपके फ्यूज होते हैं, फिर आपका जायगॉट फॉर्म होता है. जायगॉट में फिर एट दैट टाइम द जायगॉट, इनसाइड द जायगॉट द माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस. माइटोटिक डिवीजन आपका होता है, माइटोटिक डिवीजन से क्या प्रोसेस होती है, आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड है वो डिप्लॉयड ही रहते हैं आपके, उनमें आपके कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. तो उस तरह वहाँ पर को आपका जो हैप्लॉइड स्टेज है वो केवल आपका इस किससे आपका रिप्रेजेंट होती है, आपकी गैमेट से रिप्रेजेंट होती है. ठीक है, तो इस तरह आपका क्या होता है, आपका एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपका इस चलता रहता है. तो इसी के बारे में हमने डिस्कस करना है आपका. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सिक्वेंस ऑफ द इवेंट डैट अकर्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस. हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों सेल आपका माइटोटिस से डिवाइड हो सकती हैं आपकी. ऑब्वियसली दिस फीचर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड. आपका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी भी फॉर्म हो सकती है आपकी, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी भी फॉर्म हो सकती है. हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय द माइटोसिस. अगर प्लांट बॉडी आपकी हैप्लॉइड होगी, यानी कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करेगी, तो वो गैमेट्स का फॉर्मेशन आपका सिंपल माइटोसिस से करेगी. ठीक है, दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइट. जो मैंने आपको पहले ही बताया कि गैमेटोफिटिक जब प्लांट बॉडी होती है आपकी हैप्लॉइड होती है. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगॉट आल्सो डिवाइड्स बाय द माइटोसिस. जायगॉट आपका माइटोसिस से डिवाइड होता है आपका टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. उससे आपका डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फॉर्म होती है. हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय द मियोसिस. अगर आपका हैप्लॉइड आपका गैमेटोफिटिक जनरेशन फॉर्म होनी है, तो आपका जो स्पोर्स फॉर्म होंगे वो मियोसिस की प्रोसेस से फॉर्म होंगे. दीज इन टर्न डिवाइड बाय द माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन. ठीक है, ऐसे करके आपकी प्रोसेस आगे को बढ़ती रहती है. तो क्या होगा आपका अल्टरनेशन और जनरेशन क्या होगा, आप इसको देख लेते हैं. दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट. ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की बात हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए आपका. देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन बिटवीन द गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट. तो यानी कि गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड आपका स्पोरोफाइट के बीच में क्या होता है, आपका अल्टरनेशन होता रहता है. एक के बाद आपकी एक स्टेज आती है, इसी को आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाता है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, आपका प्लांट लाइफ साइकिल्स के बारे में. ओके, सो नाउ द टॉपिक दैट इज द प्लांट लाइफ साइकिल्स. इन द केस ऑफ द प्लांट, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द प्लांट रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइफ साइकिल्स. द फर्स्ट इज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक मीन्स हैप्लॉइड. हैप्लॉइड के बारे में बात हो रही है आपका. तो इस टाइप की जो लाइफ साइकिल होगा वो आपका गैमेटोफिटिक जो प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, आपका प्रोड्यूस शो करेंगे. यस, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होगा आपका, गैमेटोफिटिक जो आपके प्लांट्स होते हैं वो आपके शो करेंगे. और आपको पता है कि जो एल्गीज होते हैं आपके, दे आर द गैमेटोफिटिक. एल्गीज क्या होते हैं आपकी, उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो आपका हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक होती है. तो मेनली इस टाइप की लाइफ साइकिल आपका एल्गी क्या करेंगे, आपका रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं. द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इज अ गैमेटोफाइट प्रोड्यूस्ड बाय द हैप्लॉइड स्पोर्स. जो आपका हैप्लॉइड स्पोर्स के थ्रू फॉर्म होता है. द गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय द माइटोसिस. ऑब्वियसली इफ द प्लांट बॉडी इज द हैप्लॉइड, देन दे प्रोड्यूस द गैमेट बाय द माइटोसिस प्रोसेस. ओके, माइटोसिस सेल डिवीजन से होगा आपका. द गैमेट्स फ्यूज एंड प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड जायगॉट. मैंने आपको बोला था कि जब गैमेट फ्यूज होंगे तो आपका डिप्लॉयड जायगॉट होगा एंड रिप्रेजेंट द स्पोरोफिटिक जनरेशन. यानी कि केवल जायगॉट ही आपका एक डिप्लॉयड स्टेज होगी इनकी पूरी पूरी लाइफ साइकिल में, जो आपका एक स्पोरोफिटिक जनरेशन को आपका रिप्रेजेंट करेगा.
देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, कोई भी आपका फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं होता है। इन द केस ऑफ द जायगॉट, जायगॉट में क्या होगा, आपका मियोसिस होगा, क्योंकि जायगॉट आपका डिप्लॉयड है और प्लांट बॉडी आपकी हैप्लॉयड है। अगर डिप्लॉयड स्पोर ही बनेंगे तो आपका बॉडी हैप्लॉयड कैसे बन सकती है? तो इसलिए जायगॉट में पहले क्या होगा, आपका रिडक्शन डिवीजन होगा आपका, एंड बाय द रिडक्शन डिवीजन द हैप्लॉयड स्पोर्स विल फॉर्म, हैप्लॉयड स्पोर्स आपके फॉर्म होंगे, एंड दिस काइंड ऑफ द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड द हैप्लॉन्टिक। और इस तरह की लाइफ साइकिल को आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैनी एल्गी सच एज द वॉलवॉक, स्पायरोगायरा, क्ले माइडोमोनास। ये इस टाइप की लाइफ साइकिल को आपका रिप्रेजेंट करते हैं आपका। यू कैन सी दैट दिस इज द गैमेटोफाइट, ये आपका गैमेटोफाइट है, गैमेटोजेनेसिस हुई आपका, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन यानी कि सिनगैमी हुआ, टू फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगॉट फॉर्म हुआ आपका। जायगॉट ही आपका एक स्पोरोफिटिक कंडीशन को क्या कर रहा है, आपका शो कर रहा है डिप्लॉयड स्टेज को, देन उसमें मियोसिस हो गया, अगेन आपके स्पोर्स बने आपके हैप्लॉयड, यानी कि मैक्सिमम लाइफ साइकिल में आपका, लाइफ साइकिल में मैक्सिमम पोर्शन आपका हैप्लॉयड है, केवल आपका जायगॉट ही आपका डिप्लॉयड स्टेज को शो करता है। तो ये हो गया आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में इसका जस्ट उल्टा होगा। कहने का मतलब होगा कि वहाँ केवल आपका जायगॉट आपका स्पोरोफिटिक कंडीशन को क्या कर रहा था, आपका रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ केवल आपके गैमेट्स किसको, आपका गैमेटोफिटिक जनरेशन को क्या करेंगे, आपका रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी पूरी आपकी जो लाइफ साइकिल होगी वो आपका डिप्लॉयड होगी। ओके, सो इन दिस टाइप द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट, आपका जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, आपका डोमिनेंट होता है आपका। मैंने आपको बताया था कि प्लांट बॉडी कैसी होगी आपकी, डिप्लॉयड होगी आपका। सो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट स्टेज, द मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड फेज इज कॉल्ड द स्पोरोफाइट, और आपकी जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी आपकी, मल्टी सेलुलर होगी आपका, यानी कि जो आपका स्पोरोफाइट होगा वो आपका मल्टी सेलुलर होगा, आपका डिप्लॉयड होगा। द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। आई एम सेइंग दैट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो गैमेटोफिटिक फेज होती है वो आपका सिंगल टू फ्यू सेल्ड आपका हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से क्या होती है, आपकी रिप्रेजेंट होती है, केवल गैमेट्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस काइंड ऑफ द गैमेट आपके रिप्रेजेंट करें आपका हैप्लॉयड स्टेज, फिर इनमें फ्यूजन होगा, सिनगैमी होगा, अगेन आपका जायगॉट आ जाएगा, जायगॉट में जायगॉट फिर आपका स्पोरोफिटिक कंडीशन में ही आ गया आपका, फिर जायगॉट में आपका माइटोसिस होगा, माइटोसिस से डिप्लॉयड ही स्पोर फॉर्म होंगे और आपका वो जर्मिनेट होकर के आपका डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करेंगे। दिस काइंड ऑफ द लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज द डिप्लॉन्टिंग। ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हों, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म्स हो, या चाहे वो टाइडोफाइट्स हों, आपका जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, तो जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स आपके दो ही होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, वो इस लाइफ साइकिल को क्या करते हैं आपका, शो करते हैं। लेकिन कुछ आपका क्या होता है, आपका एल्गी आपका जो फ्यूकस है आपका, जिसको जो क्या है आपका फियोफाइजी को रिप्रेजेंट करता है, फ्यूकस कैसा एल्गी आपका, ब्राउन एल्गी है, ये भी आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को क्या करता है आपका, शो करता है, ठीक है, ये भी डिप्लॉन्टिक होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच एल्गी शो द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मैक्सिमम एल्गी शो द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बट फ्यूकस दैट इज द ब्राउन एल्गी, इट शोज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो वी कैन सी दिस इज द डायग्राम फॉर द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दिस इज द स्पोरोफाइट, दैट इज द डिप्लॉयड, ये आपका मेन प्लांट बॉडी है आपका, इसमें आपका मियोसिस होगा, जब क्योंकि डिप्लॉयड है आपके गैमेट्स आपके हैप्लॉयड होते हैं, तो मियोसिस की प्रोसेस से आपका गैमेट फॉर्मेशन हुआ, गैमेट्स आपके फॉर्म हो गए आपका, गैमेटोजेनेसिस हो गया आपका, ठीक है, गैमेटोफाइट ये हो गया आपका, जब इनमें फ्यूजन होगा, सिनगैमी होगा आपका, सिनगैमी के बाद अगेन क्या आ गया आपका, जायगॉट आ गया, डिप्लॉयड स्टेज आ गई। तो केवल इतना पोर्शन आपका हैप्लॉयड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी पूरी लाइफ साइकिल आपका डिप्लॉयड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और कौन रिप्रेजेंट करता है आपका, सीड बियरिंग प्लांट, यानी कि आपका जो फिनेरोगैम्स होते हैं, दैट इज द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लॉन्टिंग यानी कि हैप्लॉयड स्टेज भी होगी, डिप्लॉयड स्टेज भी होगी, यानी कि दोनों आपका इक्वल नंबर्स में आएंगी। इन दिस टाइप आपको पता है कि इस टाइप की जो कंडीशन होती है वो किस में होती है आपकी, टैडोफाइट्स आपके रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हमारे पास पांच डिवीजन है, पांच के पांच आपने हमने पढ़ लिए एक तरीके से, एंजियोस्पर्म हमारा हटा दिया गया है सिलेबस से, लेकिन एंजियोस्पर्म भी आपका स्पोरोफिटिक आपका प्लांट होता है आपका, जैसे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे आपका एल्गीज, उसके बाद हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आया, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आपके रिप्रेजेंट करें, यानी कि जो आपका स्पोरोफिटिक प्लांट है, यानी कि फिनेरोगैम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आता है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें क्या होगा आपका जो लाइफ साइकिल होगी उसमें आपका जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड कंडीशन होगी वो लगभग इक्वल नंबर्स में होगी। तो इस टाइप की लाइफ साइकिल को आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपका टाइडोफाइट्स, ठीक है। तो इन दिस टाइप देयर आर द टू डिस्टिंक्ट मल्टी सेलुलर फेजेज, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट।
जैसे हमने पढ़ा था आपका कि इसमें क्या बनता है, आपका स्पोरोफाइट भी होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है, दोनों ही आपकी कंडीशन प्रेजेंट होती हैं आपकी, ठीक है। वो बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर, ये आपका ब्रायोफाइट्स हो गए आपके, ठीक है, और आपका टाइडोफाइट्स हो गए, वो इस तरह की आपकी लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, आपका रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के केस में आपका मॉसेज हो गए, उसमें क्या बना था आपका जो स्पोरोफाइट था आपका, वो फूड सीट और कैप्सूल में क्या हो रहा था आपका डिफ्रेंशिएट था आपका, वो स्पोरोफाइट था आपका और वो आपका डिपेंडेंट था किसके ऊपर, आपका गैमेटोफाइट के ऊपर। तो हमने देखा था कि वो जर्मिनेट होता है, फिर उसमें उसके कैप्सूल में आपका स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों आपका दोनों जो स्टेजेस आती हैं वो इक्वल नंबर्स में आती हैं, हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस, हालांकि इनकी डोमिनेंट फेजेस आपकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आर डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो ये बात हो रही है आपकी किसकी, आपकी ब्रायोफाइट्स की। हमने ब्रायोफाइट्स से देखे थे, हमने टाइडोफाइट्स से देखे थे, ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी थी वो आपका गैमेटोफिटिक थी, फिर आपका स्पोरोफाइट फॉर्म हो रहा था, और टाइडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी थी वो आपका स्पोरोफिटिक थी, फिर आपका गैमेटोफाइट फॉर्म हो रहा था आपका, ठीक है। जैसा आपका हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स में जो क्या होता है आपका स्पोरोफाइट होता है वो आपका डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर, लेकिन जो आपका क्या होता है आपका टाइडोफाइट्स होता है इसमें जो आपका गैमेटोफाइट फॉर्म होता है वो आपका एक तरह से क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट होता है आपका, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होता है, वो अपना फूड खुद बना लेता है। तो आप देखते हैं इसको, तो यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपका ब्रायोफाइट्स भी शो करेंगे, टाइडोफाइट्स भी शो करेंगे, लेकिन इनकी स्टेजेस अलग अलग हो जाएंगी। आपका ब्रायोफाइट्स के केस में जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो आपका गैमेटोफाइट होती है, लेकिन जो आपका टाइडोफाइट्स है उनके केस में जो आपका डोमिनेंट स्टेज होती है वो क्या होती है आपकी, स्पोरोफाइट होती है। तो देख लेते हैं आपका डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, इट अल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली पार्शियली और डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एनकरेज एंड न्यूट्रिशन। ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। अब दूसरा आता है आपका द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिस वैस्कुलर प्लांट बॉडी, इसमें आपका स्पोरोफाइट मेन होता है आपका। इट अल्टरनेट विद अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है आपका, हैप्लॉइड होता है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड द हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसको आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है आपका, ठीक है। ऑल टाइडोफाइट्स डिमॉन्स्ट्रेट दिस पैटर्न, हाउएवर मोस्ट एल्गा जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, सम ऑफ देम सच एज द एक्टोकार्पस पॉलीसिपोनियन कैल्प्स आर द हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब देखो यहाँ पर को आपका क्या आ गया, एक्टोकार्पस आ गया, एक्टोकार्पस आपका फ्यूफाइसी होता है आपका, कैल्पस हो गया आपका, पॉलीसिफोनिया हो गया, ये सारे आपके फ्यूफाइसियन की ब्राउन एल्गी हैं। तो देखिए हमने देखा कि मेनली जो एल्गी होते हैं वो आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। इसके बाद हमने देखा जो फ्यूकस था वो आपका फ्यूफाइसी का था, वो आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा था, लेकिन ये एल्गी जो आपका ब्राउन एल्गी के जो अदर रिप्रेजेंटेटिव है, एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया, आपका कैल्प्स हो गए, ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। तो एल्गी तीनों का ही रिप्रेजेंटेशन देते हैं आपका। अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपका मेनली रिप्रेजेंट होती है आपका टाइडोफाइट से, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर को हम डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं आपका। आप देख सकते हैं कि गैमेटोफाइट, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो गैमेटोफाइट से स्टार्ट होगा आपका, गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, सिनगैमी होगी, जायगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, मियोसिस होगी, हैप्लोडिस्पोर बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। अगर हम स्पोरोफाइट डोमिनेट स्टेज लेते हैं आपका, जैसा कि टाइडोफाइट्स में होता है, तो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में मियोसिस, मियोसिस से आपका हैप्लोडिस्पोर्स फॉर्म हुए, उनमें फ्यूजन हुआ, गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से आपका गैमेटोजेनेसिस हुई आपकी, ठीक है, गैमेटोफाइट बना, उसमें गैमेटोजेनेसिस हुई आपकी, फिर स्पोर बने, आपके गैमेट्स बने, गैमेट्स में आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी हुआ, जायगोट फॉर्मेशन हुआ, जायगोट ने आपका स्पोरोफाइट को फॉर्म किया। तो यह हमारा चैप्टर क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। तीन तरह की लाइफ साइकिल हमने डिस्कस कर ली, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसके अलावा आपकी और भी होती हैं आपका हैप्लो हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो डिप्लो हैप्लॉन्टिक, ऐसे करके भी आपकी बहुत सारी लाइफ साइकिल आपकी होती हैं, लेकिन ये आपकी जो मेन थी वो हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर।